नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज सेहत और आपके साथ मैं हूँ बुशरा बेग। और इस भाग दौड़ी भरी जिंदगी में हम सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। किसी के पास इतने वक्त नहीं होता कि वो अपनी सेहत के बारे में सोच भी सके। ऐसे में बीमारियां हमारे शरीर को अपना घर बना लेती हैं। और आज हम आपको फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में जानकारी देंगे, जिससे कई रोगों का इलाज हो सकता है, क्योंकि कई बार केवल दवाइयां लेने से भी बीमारियां ठीक नहीं होती। ऐसे में मानसिक तनाव, घुटनों में दर्द, पीठ दर्द, जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं में फिजियोथेरेपी रामबाण साबित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं खास प्रोग्राम स्वराज सेहत। तो फिजियोथेरेपी एक उपचार पद्धति है जिससे लोग शारीरिक शक्ति कार्य करने की क्षमता करने को बढ़ाने में मदद होती है। और फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल करने से बहुत से पेशेंट्स को अपने जोड़ों के दर्द, पीठ दर्द और मानसिक तनाव जैसे हालातों से राहत मिल जाती है। इसके अलावा भी फिजियोथेरेपी के कई फायदे होते हैं, जिससे छोटे बच्चों, बुजुर्गों की बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है। तो स्वराज सेहत में आज हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से जुड़ रही हैं डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर गरिमा। थैंक यू मैम, धन्यवाद जी। डॉक्टर गरिमा, आज क्योंकि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आज आपसे यही जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट बतौर किन किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, फिजियोथेरेपी भौतिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। भौतिक चिकित्सा क्षेत्र बहुत सारे डिजीजेस को कवर करता है, बहुत सारी कंडीशंस को कवर करता है। फिजियोथेरेपी आपके ऑर्थोपेडिक केसेस में, हड्डी रोग डिसऑर्डर्स में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, मस्तिष्क और स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, कार्डियोरेस्पिरेटरी सांस श्वसन की क्रियाओं में, और आपके जीरियाट्रिक, पीडियाट्रिक यानी कि ओल्ड एज की समस्याओं से रिलेटेड, बच्चों की समस्याओं से रिलेटेड, पैलिएटिव यानी कि रिहैबिलिटेशन कैंसर की समस्याओं से रिलेटेड, तो बहुत सारी फील्ड्स में फिजियोथेरेपी का योगदान और उपयोग है जी। इसके अलावा किन किन ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज फिजियोथेरेपी से संभव हो पाता है? अगर आप फिजियोथेरेपी में, भी मैंने आपको बताया, भौतिक चिकित्सक हैं, वो भिन्न प्रकार के एरियाज को कवर करते हैं। आपकी कॉमनली जो हम ज्यादातर एनकाउंटर करते हैं या फेस करते हैं, पेशेंट्स आते हैं हमारे पास बैक पेन के, लो बैक पेन के, सर्वाइकल पेन के, नेक स्टिफनेस के, स्पाइनल माल अलाइनमेंट के, आपके इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स के, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के, गठिया के, स्लिप डिस्क के, सियाटिका के, रूमेटिक पेन के, कैंसर पेन के, तो भिन्न प्रकार के पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं। और इसके अलावा फिजियोथेरेपी द्वारा उपयोग किए जाने वाली कौन कौन सी ऐसी तकनीक है जिनकी मदद से इलाज होता है? फिजियोथेरेपी इज एन अम्ब्रेला टर्म। इसमें हम भिन्न प्रकार की टेक्निक जैसे कि आपकी एक्टिव एक्सरसाइजेस, पैसिव एक्सरसाइजेस, स्पाइनल मैनिपुलेशंस, मोबिलाइजेशन, एक्सरसाइजेस या व्यायाम, स्ट्रेचिंग, इन सारी प्रक्रियाओं पे ध्यान देते हैं, अदर देन इलेक्ट्रोथेरेपी या करंट की फैसिलिटीज के साथ। और जैसा कि डॉक्टर गरिमा आपने जिक्र किया जो कि गठिया का इलाज जी, गठिए के इलाज का आपने जिक्र किया, तो गठिए का इलाज किस तरीके संभव है और क्या है गठिए का इलाज? गठिया जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे घर में या हमारे आसपास हमने देखा है, शरीर के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे जोड़ों में घिसाव शुरू हो जाता है जी। तो वैसे गठिया कई प्रकारों का होते हैं, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमनली और दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और साथ में जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस घिसाव की वजह से होता है जी, बात पूरी कीजिए जी, बताएं।
एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है। तो इसमें हम डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस के साथ पेशेंट को ट्रीट करते हैं, क्रायोथेरेपी, हीट थेरेपी, थर्मोथेरेपी अलॉन्ग विथ स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, जोड़ों की सूजन को कम करना, मूवमेंट को बढ़ाना, जॉइंट स्टिफनेस को कम करना। तो ये बेसिकली हमारे प्राइमरी गोल्स होते हैं जिन पे हम फोकस करते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। और इसके अलावा जैसा कि शारीरिक चिकित्सक, पीठ दर्द का इलाज कैसे होता है? जी वही, पीठ दर्द भी एक पेशेंट हमारे पास अगर आता है पीठ दर्द लेके, तो पहले हमको उसको प्रॉपर असेसमेंट या प्रॉपर एग्जामिनेशन करना होता है, हमको रेड फ्लैग्स को रूल आउट करना होता है, फिर हम ट्रीट करते हैं पीठ दर्द को, जो कि कई सारे कारणों से हो सकता है। आपके मसल एक्यूट यानी तुरंत हुआ, या थोड़े दिनों का बैक पेन है, तो उसमें हम मस्कुलर इश्यूज पे ध्यान देते हैं और स्पाइनल अलाइनमेंट पे ध्यान देते हैं। क्रॉनिक पेन है तो हम उसकी जड़ तक जाके उसको ट्रीट करने का गाइडेंस देते हैं, या फिर उसको अगर हमें जरूरत है तो हम किसी फिजिशियन के पास भी रेफर करते हैं फॉर फर्दर डायग्नोसिस। जी, और डॉक्टर करिमा, साथ में आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआती वक्त में इस पर बातचीत हुई थी कि मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं बतौर एक फिजियोथेरेपिस्ट काफी हेल्प करता है, मानसिक जो बीमारी होती है उन्हें भी दूर करने का काम एक फिजियोथेरेपिस्ट करता है, तो ये कैसे काम करता है? फिजियोथेरेपी काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग, एजुकेशन, अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि हम पेशेंट को उसकी कंडीशन के बारे में सब कुछ बताते हैं और उसको अपनी जीवन शैली में पूरी तरह इंडिपेंडेंट होने के, किसी पे ऊपर वह आश्रित ना रहे अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए, उसको हम ट्रेन करते हैं पेशेंट को। जी चलिए, हमारे साथ रोकना चाहेंगे, माफ कीजिए, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे जो अपने सवाल पूछना चाहेंगे। गिरीश जी, बहुत स्वागत आपका। हाँ जी, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मुरादाबाद यूपी से बोल रहा हूँ। ठीक है, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे जो पीछे बैक में हिप में दर्द होता था पहले, और पैरों तक जाता था नीचे तक, और ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, बस 5 मिनट खड़े हुए और फिर बैठने को मन करता है, और चल रो तो उस दिन और ज्यादा देर, मतलब टहलने जाता था तो वो टहलना ही बंद कर दिया चक्कर में मैंने, क्योंकि टहल लेता था तो और भी दर्द बढ़ जाता था। जी डॉक्टर शर्मा, किस प्रकार का दर्द था सर? वो रेडिएटिंग दर्द था क्या? जी नहीं, वो दर्द थोड़ी देर रहता था, मतलब ज्यादा देर तो नहीं रहता था दर्द, मतलब अगर ज्यादा चलोगे तो दर्द ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। अच्छा, तो सर आपकी कंडीशन कितनी पुरानी है? मुझे 1.5 साल से है ये प्रॉब्लम, एक मतलब ऐसे तो बीच में मैंने वो, और कभी कोई हिस्ट्री ऑफ? नहीं, मैंने कराया था, इलाज भी कराया था, तो उसमें वो बताते हैं वो जाते जाओ डॉक्टर साहब के, वो आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए इसका बैक का, ये कहते हैं। तो उसमें कुछ डिस्क का इशू बताया है सर? हाँ, वो डिस्क या आपके वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी में कुछ चेंजेस बताया? नहीं, वो कर MRI मैंने कराया था, लेकिन वो बोले इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन वो हम जो है ऑपरेशन करके इसे ठीक कर देंगे, थोड़ा सा है बता रहे थे, तो मतलब ज्यादा नहीं है, कह रहे थे थोड़ा सा ही है। तो सर जी, एज पर योर डायग्नोसिस सर, आपकी जो प्रॉब्लम लगती है हमको प्योरली मस्कुलर एसोसिएटेड विथ नर्व, यानी कि आपकी मसल्स वीक हो गई हैं जो आपके बॉडी वेट को सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू एसेस यू प्रॉपरली, आपको प्रॉपर हमको एग्जामिन करना पड़ेगा, कोई नर्व एसोसिएटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, नस तो नहीं दब रही है जिसकी वजह से आपकी मसल्स में वीकनेस आ रही है और आप बहुत देर तक बैठ नहीं पा रहे हैं। आपका स्पाइनल अलाइनमेंट हमको चेक करना पड़ेगा और आपका पॉस्चर हमको देखना पड़ेगा। इसके अलावा आप बेसिक में आपको पानी इंटेक, बेसिक इंटेक बराबर मेंटेन रखना है, और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपको करनी होंगी अलोंग विद बैक स्ट्रेंथनिंग।
कमर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ दर्शक जिन्होंने अपनी समस्या को बताया और डॉक्टर गरिमा ने उनका समाधान भी बताया। लेकिन डॉक्टर गरिमा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, शारीरिक सक्रियता को बढ़ाने के लिए किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अमूमन पुरानी कभी चोट होती है वो भी उभर आती है, इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं वक्त दर वक्त अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो उसका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, चाहे वो घुटनों का दर्द हो या फिर कमर का दर्द हो। इसी से मिलता जुलता एक सवाल हमारे दर्शक ने भी पूछा था, तो इन चीजों को किस तरीके से देखना चाहिए, क्या इलाज में सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे ही आपको कभी भी आपको लगता है कि आपका पेन या आपका दर्द असहनीय हो रहा है या एक दो दिन में सबसाइड या खत्म नहीं हो रहा है, आपको दर्द से निजात नहीं मिल रही है, तो आपको जरूर एक कंसल्टेशन करना चाहिए थेरेपिस्ट से। और कभी कभार बचपन में लगी हुई चोटें भी अगर माल अलाइनमेंट हो, जी, काफी एक अहम सवाल, अगर सिटीजन की बात कर ली जाए, जो बुजुर्ग हैं उनमें 80% ऐसी भारत में परेशानी देखी गई है कि उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो जोड़ों के दर्द से बिना सर्जरी के किस तरीके से निजात पाया जा सकता है? डॉक्टर गरिमा, देखिए, जोड़ों के दर्द जो हम बुजुर्गों की बात करें तो यूजुअली जोड़ों में घिसाव के कारण, जो मैंने आपको पहले भी स्पेसिफाई किया था, जोड़ों में घिसाव होता है जिसकी वजह से नर्व एंडिंग्स पेन सिग्नल देती हैं हमको ज्यादा, तो हमको और बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन डेंसिटी भी कम होने लगती है एज के साथ, जी, मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, तो हमको इन सब चीजों पे फोकस करना है। जीरियाट्रिक केसेस में वी हैव टू ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, दिनचर्या उनकी टोटली इंडिपेंडेंट रहे, वो कम से कम दूसरों पे डिपेंडेंट रहे, सुबह शाम सैर करें, विटामिन डी कैल्शियम रिच डाइट लें जी, और कुछ नियमित व्यायाम करें, और इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारना कैसे सुधारी जा सकती है? क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब अगर हम बात करें तो दैट इज गुणवत्ता, जीवन शैली की गुणवत्ता। हम अपनी गुणवत्ता को तभी बढ़ा सकते हैं जब हम अपने सारे काम स्वयं करें, और वो भी स्वयं से आप तब कर पाएंगे जब आपकी मांसपेशियों में ताकत होगी, जब आप पेन फ्री होंगे, जब आपका स्टिफनेस नहीं होगा, जोड़ों में सूजन नहीं होगा, और अपनी एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे जी, और वही हमारी गुणवत्ता है सबसे बड़ी। जी बिल्कुल, और इसके अलावा डॉक्टर गरिमा, शारीरिक चिकित्सक पीठ दर्द का इलाज कैसे कर सकते हैं? पीठ दर्द बहुत सारे कारणों से होता है, एक्यूट पीठ दर्द या क्रॉनिक पीठ दर्द, जी, बहुत सारे रीजन से, स्पॉन्डाइलाइटिस, स्पॉन्डाइलार्थ्रोपैथीज हैं, बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं, डिस बल्जेस, डिस प्रोलैप्स, डिस हर्निएशंस, स्पाइनल माइल अलाइनमेंट्स, दीज ऑल आर सम ऑफ द रीजंस, कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको पीठ दर्द हो सकता है। और आज की जीवन शैली बहुत ही बदलती जा रही है, बिल्कुल, आज के टेक्निकल सेवी पीपल लोग दिन भर कंप्यूटर पे बैठना या मोबाइल का यूजेज ज्यादा होना, जी डॉक्टर गरिमा, बहुत देर तक एक पोजीशन में बैठे या खड़े रहना बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे एक ऐसी एज में होते हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उसके अलावा 10 साल से कम के बच्चे जो होते हैं उनके लिए फिजियोथेरेपी काफी कारगर साबित इसलिए भी होती है क्योंकि इन्हें हैवी डोज भी नहीं दिया जा सकता है, बहुत ज्यादा हैवी थेरेपीज भी नहीं दी जा सकती है, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए फिजियोथेरेपिस्ट काफी कारगर साबित होते हैं बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको किस तरीके से देखेंगे और क्या सुझाव हमारे दर्शकों को देंगे?
बच्चों में फिजियोथेरेपी बहुत कारगर है, जैसे आपने सुना होगा जिन बच्चों की नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस डिलेड रहती हैं, जी मतलब देर से आती है जिनकी वो चीजें नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में, सर्वर पैल्सी है, मल्टीपल सो मेनी रीजन है, तो उनमें हम उनकी नॉर्मल पद्धति में लाने के लिए अगर किसी बच्चे का नेक कंट्रोल नहीं है तो हम उसको रिपीटेड एक्सरसाइज ट्रेनिंग फीडबैक पेशेंट पेशेंट फैमिली एजुकेशन उनके माता पिता के इन्वॉल्वमेंट के साथ बेटे को बच्चे को सारे ट्रीटमेंट देते हैं और हम लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं पेशेंट में जिससे जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सके जी। और इसके अलावा मांसपेशियों में गांठें पड़ जाना, ये भी आजकल की दिनचर्या में काफी आम सी बात हो गई है, ऐसी समस्याएं भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो ऐसी समस्याओं से कैसे दूर हुआ जा सकता है, ये क्या इलाज है उसका? मांसपेशियों में गांठें पड़ना यानी कि आपकी मसल कहीं ना कहीं पे आपने उसको थ्रू आउट द लेंथ जो एक नॉर्मल मसल का लचीलापन होता है वो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जिस भी रीजन से हुआ है, तो उसको हम उन नॉट्स को ओपन अप करते हैं जिससे कि मसल अपनी पूरी लेंथ में वापस दोबारा आ सके। और पैरालिसिस का इलाज किस तरीके से? मैनुअल रिलीज टेक्निक्स जी, योर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जी जी, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि पैरालिसिस का इलाज किस तरीके से संभव है, बतौर फिजियोथेरेपिस्ट आप किस तरीके से देखेंगे, क्या इलाज संभव है इसमें? पैरालिसिस में भी फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है। पैरालिसिस किसी भी रीजन से हुई हो, हेमरेजिक हुई हो, एम्बोलिक हुई हो, कोई भी रीजन हुई हो, जो भी साइड पेशेंट का या जो भी हाथ पैर पेशेंट का अफेक्टेड हुआ है बिकॉज ऑफ ब्रेन इंसल्ट, उसकी रिकवरी में फिजियोथेरेपी इज वेरी इफेक्टिव जी। ऑल द पैसिव एक्सरसाइजेस अलोंग विद एक्टिव असिस्टेड, योर क्रेनियल स्टिमुलेशन टेक्निक्स, TDCS, MRPs, NDTs, these all techniques, बैलेंस एंड गेट ट्रेनिंग, प्रोप्रिसेप्टिव ट्रेनिंग, ये सारी क्लब करके एक पेशेंट स्ट्रोक पेशेंट का रिहैबिलिटेशन होता है जी। गर्मा जी, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, अमूमन हमने इस चीज को पढ़ा है या देखा है, समझा है कि फिजियोथेरेपिस्ट एक थेरेपी का काम करता है या जोड़ों में दर्द या इस तरीके की समस्या उनको निजात दिलाता है, लेकिन क्या भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमने अक्सर देखा है कि ज्यादातर पेशेंट्स BP, डायबिटीज इन सब के भी आते हैं, एक ये सवाल भी बड़ा उठता है कि क्या बीपी और इस तरीके डायबिटीज इस तरीके की जो समस्या है, क्या थेरेपी करने से क्या इन चीजों पर भी कंट्रोल हो पाता है, क्या रोल फिजियोथेरेपिस्ट का यहाँ पे भी बहुत अच्छे से निभाया जा सकता है जिसकी वजह से बीमारी पर कम से कम अंकुश लग पाए या रोकथाम हो पाए इन बीमारियों की? जी जी जी, ये रिसर्च बेस्ड एविडेंस हमारा कहता है कि अगर हम लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा डायबिटीज और बीपी ये कंट्रोल में रहता है, बट ऑफ कोर्स अंडर अ फिजिशियंस रिव्यू जी। और इसके अलावा अगर वी हैव टू कीप अ चेक ऑन दीज ऑल थिंग्स जी, और इसके अलावा का अगर कोई व्यक्ति फिट है, उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपनी दिनचर्या में किस तरीके की एक्सरसाइज डेली रूटीन में करना चाहिए? हालांकि मैं इस सवाल के साथ आपके पास वापस आऊंगी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, पुणे से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। DS दुबे जी, बहुत स्वागत आपका। दुबे जी, बहुत स्वागत आपका, सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार जी, सवाल पूछिए। क्या मैं अपना प्रॉब्लम बता सकता? कैन यू हियर मी? जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, सवाल पूछे। जी, मेरा प्रॉब्लम ऐसा है, मेरा थोड़ा नर्व रिलेटेड इश्यू है लास्ट ऑलमोस्ट 8 ईयर्स, और मेरा राइट फुट ड्रॉप है, तो उसके वजह से और पैर उठता नहीं है, तो चलने में काफी दिक्कत होती है, तो ये फुट ड्रॉप को इरेडिकेट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कुछ एक्सरसाइज उसके लिए है जिससे कि ये फूड ड्रॉप हमारा ओवरकम कर सके?
क्योंकि फुट ड्रॉप की वजह से पैर ऊपर छह इंच से ऊपर ज्यादा उठा भी नहीं पाते, वो लटक जाता है, तो आगे स्टेप रख ही नहीं सकते ना. यस यस. सो दिस इज माई प्रॉब्लम. व्हाट इज द रीजन यू गॉट फुट ड्रॉप? ये रीजन ये है, ये नर्व रिलेटेड इशू है मेरे स्पाइन से जो नर्व इमेनेट होती है वो कहीं पे कंप्रेस्ड होंगी. जी जी जी. जो MRI कराया था कंप्रेस्ड. यस यस यस. तो नतीजा ये हो गया कि राइट वाला पैर जो है वो एक तरह से फुट ड्रॉप की वजह से और पैर ना उठने की वजह से मेरे चलने में प्रॉब्लम होती है. और अगर फुट ड्रॉप ठीक हो जाए थोड़ा तो एटलीस्ट मैं 4 इंच भी अगर पैर को उठा सकूं तो मैं आगे का स्टेप ले सकता हूँ. फुट ड्रॉप की वजह से मुझे ज्यादा पैर उठता नहीं है, तो नतीजा ये चलने में बहुत दिक्कत है. आई हैव टू लिटरली ड्रैग माय राइट लेग. Can you understand? So, any foot drop due to due to nerve compression, foot drop मतलब आपका पंजा नीचे की तरफ है, आपका ankle आपका weight नहीं ले पाता जब अपने body weight को आप propel करते हैं या आगे बढ़ते हैं तो. और उसको मैं अपने that means आपके पीछे की muscles पैर की. मैडम मैं उसको to and fro कर ही नहीं सकता लेट के. जैसे एंकल को अगर हम टू एंड फ्रो करना चाहें ना आगे जी जी, वो ऐसा राइट वाला होता ही नहीं. जी 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 जी. दुबे जी आपको पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ है सर. डॉक्टर गरिमा आपसे समाधान चाहेंगे. जी मैम, नर्व कंप्रेशन की वजह से जो भी आपकी दिक्कत आ रही है नीचे, पहले हमको उस नर्व कंप्रेशन के लेवल पे काम करना होगा. और आपकी एक ग्रुप ऑफ मसल्स काफी वीक हो गई है और एक ओवर एक्टिव है. तो वी हैव टू मेंटेन अ मसल बैलेंस एंड स्ट्रेंथन द वीक मसल्स सो दैट यू कैन डू द हील स्ट्राइक व्हाइल वॉकिंग. और आपको एंड वी हैव टू डू द प्रोप्रिसेप्टिव ट्रेनिंग जी टू यू. यू हैव टू लर्न द प्रोप्रिसेप्टिव ट्रेनिंग एंड वेट ट्रांसफर टेक्निक्स अलॉन्ग विथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस. आप एक फुट ड्रॉप या एक फुट ड्रॉप स्प्लिंट आता है, एक सपोर्ट आता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके गिरने की या बैलेंस की इम्पेयरमेंट कम हो. यानी एक्सरसाइज और थेरेपी की मदद से इस समस्या का समाधान है और अच्छे से इलाज हो सकता है और इस तकलीफ से राहत मिल सकती है. डॉक्टर गरिमा, जैसा कि हम वापस उसी सवाल पर आएंगे, मैंने आपसे आखिर वक्त में सवाल किया था जी. तो रोज जो इंसान रोज की दिनचर्या में एकदम फिट फाइन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को आगे वक्त के लिए कैसे फिट रख सकता है, ये एक बड़ा सवाल था कि अगर अच्छे से एक्सरसाइज या चीजों को संतुलन में रखा जाए, चाहे वो एक्सरसाइज हो या खान पान हो, किस तरीके से अपने आप को फिट फाइन रख पाए. देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति जो नॉर्मल दिनचर्या एक्टिविटी कर रहा है, जो आज की यंग पॉपुलेशन है जी, वो थोड़ी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ अग्रसर हो रही है. यानी कि बहुत देर तक बैठे खड़े रह के काम करना, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स और वर्क प्लेस एर्गोनॉमिकली नहीं एडजस्ट रहना, यानी कि वर्क प्लेस हमारे पोस्चर, हमारे तरीके, हमारे जॉब की तरह से एडजस्टेड होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल थिंग्स, नॉर्मल वाटर इनटेक जी, कैल्शियम विटामिन D3 इनटेक, एक्सरसाइजेस, एरोबिक एक्सरसाइजेस एंड एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक इफ वी कैन टेक आउट द टाइम जी. यानी एक्सरसाइज ही एक ऐसी अहम भूमिका निभाता है आपके दिनचर्या में. अगर हम डेली रूटीन में एक्सरसाइज को रूटीन से करें तो काफी हद तक कंट्रोल हमारे शरीर पर बना रहता है और बीमारियों से हम दूर रहते हैं. बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सारी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर गरिमा जी. और इसी के साथ ही स्वराज सेहत में इतना ही. कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस.